नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। सीएम गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की जोड़ी का कमाल। दरअसल प्रदेश की जोड़ी दिन प्रतिदिन शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार लगातार शिक्षा में विकास के सतत प्रयास कर रही है। लगातार विकास के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि भी बेहतर हो रही है। सरकारी इंग्लिश स्कूलों को बेहतर रिस्पॉन्स भी मिलता है और इसका बड़ा उदाहरण है बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण से भी अभिभावक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में आधुनिकता पर भी सरकार और शिक्षा विभाग के खास कदम देखने को मिल रहे हैं। स्कूलों में बढ़ रहा है बच्चों के नामांकन का प्रतिशत, जो कि बेहद खास है। ड्रॉप आउट प्रतिशत कम करने में भी जोरदार मदद मिल रही है। कुल मिलाकर यही कह रहेंगे कि चाहे वो शिक्षा का विभाग हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद इस तरीके की जब तस्वीरें निकल कर आती है, क्योंकि कितने वक्त के बाद स्कूल शुरू हुए और उसके बाद ये जोड़ी दिन प्रतिदिन शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर और उन्हें बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार सरकार काम कर रही है कि शिक्षा में विकास हो और ये प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए। इतना नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हो प्रदेश की छवि, इस पर भी काम हो रहा है। सरकारी इंग्लिश स्कूलों को बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है और इसका बड़ा उदाहरण है कि बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण से जितने भी अभिभावक है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में आधुनिकता पर भी सरकार और शिक्षा विभाग के खास कदम देखने को मिल रहे हैं। स्कूलों में इसी वजह से बच्चों का नामांकन प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन प्रतिशत बढ़ रहा है। ड्रॉप आउट प्रतिशत भी कम हो रहा है और इसे कम करने में भी जोरदार मदद मिलती नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चों के रिजल्ट में शिक्षा विभाग की लेट लतीफी आखिर क्यों हो रही है। प्रदेश के 27 लाख छात्रों को रिजल्ट देने में शिक्षा विभाग काफी लेट हो रहा है। 25 मई को यह रिजल्ट जारी करना था, पहले दो दिन तक स्थगित किया गया। परिणाम की तिथि आने वाली थी लेकिन इसे दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब पूरे 5 दिन परीक्षाओं का रिजल्ट लेट कर दिया गया है। अब जून के पहले सप्ताह में परिणाम जारी हो सकता है। 5वीं व 8वीं क्लास के 18 मई को एग्जाम खत्म हुए थे। हालांकि रिजल्ट से जुड़ी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, अब मार्कशीट तैयार करने में विभाग जुटा हुआ है। संभवतः 5 से 7 जून के बीच रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा, लेकिन बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश है कि आखिर उनके कितने प्रतिशत आए हैं और आने वाले समय में किस तरीके से वो परीक्षाओं की तैयारी में जुटेंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार रिजल्ट का। प्रदेश के 27 लाख छात्रों को रिजल्ट देने में शिक्षा विभाग लेट हो रहा है। हालांकि शिक्षा को लेकर छवि सुधरती भी जा रही है, लेकिन रिजल्ट देने में शिक्षा विभाग थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि पहले 25 मई को यह रिजल्ट जारी होना था, दो दिन तक इसे स्थगित किया गया। परिणाम की तिथि को दो दिन के लिए स्थगित करा गया, लेकिन अब पूरे 5 दिन परीक्षाओं को यहां पर टाला गया है उसके रिजल्ट के लिए। अब जून के पहले सप्ताह में ये परिणाम जारी होंगे। 5वीं व 8वीं क्लास के 18 मई को एग्जाम खत्म हो चुके थे, 25 मई को रिजल्ट आना था, दो दिन के लिए टाला और अब 5 दिन के लिए इसे टाल दिया गया है। लेकिन रिजल्ट से जुड़ी तो प्रोसेस पूरी हो गई है, सिर्फ मार्कशीट का काम बाकी है, उसे तैयार करने में ही शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। और अब ये जानकारी मिल रही है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि 5 से 7 जून के बीच रिजल्ट जारी हो जाएगा। राज्यसभा टिकट को लेकर अनिरुद्ध सिंह का एक ट्वीट आया है। कांग्रेस में महिलाओं को टिकट ना मिलने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आखिर क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में एक भी महिला नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ में एक महिला प्रत्याशी को कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। रंजीत रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। वही पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की पत्नी है रंजन। इस बीच कांग्रेस की कई महिला नेता भी टिकट नहीं मिलने से बेहद नाराज नजर आ रही है और कल ही नगमा ने भी ट्वीट कर जाहिर की थी अपनी नाराजगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ये नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी साबित ना हो जाए और ऐसे में दूसरों को भी मौका मिल रहा है। राज्यसभा टिकट को लेकर 10 सीटों पर नाम सामने हो चुके हैं और ऐसे में अनिरुद्ध सिंह का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं को टिकट ना मिलना बेहद हैरानी वाला है। कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
ये नारा दिया था प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से। आखिर उसका क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में एक भी महिला नहीं है, हालांकि छत्तीसगढ़ में एक महिला प्रत्याशी को कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। रंजीत रंजन राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। वही पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की पत्नी है रंजन। लेकिन इस बीच कांग्रेस की कई महिला नेता जो कि कतार में थी, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है, उन्हें टिकट नहीं मिला और वो बेहद नाराज हैं। वहीं कल ही नगमा ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी थी। अब एक और वायरस जिसे लेकर प्रसादी लाल मीणा का बयान आया है, मंकी पॉक्स वायरस। उन्होंने कहा कि बीमारी अभी हमारे देश में नहीं है, हालांकि सरकार और विभाग इसे लेकर सतर्क है। ईश्वर करे कि ऐसी बीमारी हमारे देश में ना ही आए। पहले हमने कोविड-19 का भी मुकाबला किया था, हमने विभाग को पूरा अलर्ट किया हुआ है। कोरोना के छिटपुट केस सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड करने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही इलाज हो रहा है, फिर भी हमारी पूरी निगाह है। लेकिन ऐसे में प्रशासन पूरी तैयारी बरत रहा है, वहीं सरकार भी पूरे तरीके से इसे लेकर एहतियात बरत रहा है। पहले कोविड-19 को लेकर भी सरकार सचेत थी और अब मंकी पॉक्स वायरस को लेकर जिस तरीके से डर फैल रहा है, अन्य देशों में लगातार फैल रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात कही है, मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने, कि बीमारी अभी हमारे देश में नहीं है, हालांकि सरकार विभाग इसे लेकर पूरे तरीके से सतर्क है। और ईश्वर भी करे, हम भी ये दुआ करते हैं कि ऐसी बीमारी हमारे देश में ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि पहले जब इस तरीके का वायरस आया था कोविड-19, उसका मुकाबला हमने किया, हमने विभाग को पूरा अलर्ट भी किया हुआ है। कोरोना के छिटपुट केस जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही उन मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी निगाह उन पर है। प्रदेश में होलमार्क सेंटर्स की बात करें तो उन पर संकट छाया हुआ है। आरएसपीसीबी से एनओसी नहीं मिल रही है। दूसरे राज्यों की बात करें तो उन्होंने एनओसी जारी कर दी है। विधायक रफीक खान से हॉलमार्क सेंटर संचालक मिले हैं, आरएसपीसीबी से एनओसी दिलाने की उन्होंने मांग की है। रफीक खान ने हॉलमार्क सेंटर संचालकों का समर्थन किया। रफीक खान ने मुख्यमंत्री को एनओसी के लिए पत्र लिखा है। वहीं 1 जून को होलमार्क सेंटर संचालकों की हड़ताल भी प्रस्तावित है, लेकिन किसी तरीके से अगर वो मान जाते हैं, कोई समझाइश हो जाती है, क्योंकि रफीक खान जो है वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, विधायक साहब अगर साथ में हैं, तो हो सकता है कि जो प्रस्तावित हड़ताल है उस पर कोई फैसला लिया जाए। लेकिन होलमार्क सेंटर्स की बात करें, उन संचालकों की बात करें, तो उनकी थोड़ी सी नाराजगी है, क्योंकि उनको अभी एनओसी नहीं मिल रही है आरएसपीसीबी पर। दूसरे राज्यों में एनओसी जारी कर दी गई है। विधायक रफीक खान से सभी हॉलमार्क सेंटर्स के संचालक एकजुट हुए, मिले, अपनी बात रखी और एनओसी दिलाने की उन्होंने मांग रखी है। तो वहीं विधायक रफीक खान ने हॉलमार्क सेंटर संचालकों को समर्थन दिया है, उनकी पूरी मांग को सुना और ये कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे। और इसे लेकर रफीक खान ने प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत को एनओसी के लिए पत्र लिखा है। वहीं 1 जून को हॉलमार्क सेंटर संचालकों की हड़ताल प्रस्तावित। वहीं तबादले को लेकर आदेश जारी हुए हैं कि उस पर जो रोक है वो हटा दी गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अब बिना नई नीति से तबादले जारी किए जाएंगे, क्योंकि तबादलों से सरकार ने रोक हटा दी है। पहले भी 6 जुलाई 2021 को ये रोक हटी थी, जिसे कुछ समय बाद वापस बढ़ा दिया गया था, तब भी बिना नई नीति के तबादले हुए थे। अब करीब 1 साल के बाद तबादले से रोक हटाई गई है। तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार के विभागों में ये रोक हटा दी गई। उधर पहले मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने इसे लेकर संकेत दिए थे, नई नीति मंजूर नहीं होती तब तक पुरानी नीति से तबादले होंगे। जनप्रतिनिधियों का तबादलों से रोक हटाने को लेकर दबाव भी था। आखिरकार राज्य सरकार ने आज तबादले से जुड़ी ये रोक जो थी उसे हटाने के आदेश तो दिए ही और तुरंत प्रभाव से लागू करने की भी बात उन्होंने रखी है, लेकिन लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिना नई नीति से तबादले शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि तुरंत प्रभाव से इसे करने के लिए जारी कर दिया गया है। पूर्व में 6 जुलाई 2021 को भी इसी तरीके से रोक हटी थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे बढ़ा दिया गया, बिना नई नीति के तबादले होने शुरू हो गए थे। लेकिन अब करीब 1 साल का वक्त उसके बाद फिर से तबादले से रोक हटा दी गई है। तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार के विभागों में रोक हटी है। उधर पहले मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने इसे लेकर संकेत दे दिए थे, नई नीति मंजूर नहीं होती तब तक पुरानी नीति से ही तबादले जारी रहेंगे। जनप्रतिनिधियों का तबादलों से रोक हटाने को लेकर दबाव भी बना हुआ था। आखिरकार राज्य सरकार ने
इसे माना और आज तबादले से रोक हटाने के आदेश जो है वो जारी कर दिए। वॉस इंडिया की खबर का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का काम देख रही कंपनी पर अब शिकंजा कसेगा। परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ से रिपोर्ट मांगी है। स्मार्ट चिप कंपनी के काम के बारे में यह रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकतर जगहों पर दलालों से साठ गांठ कर काम के लिए ये कंपनी करती है और ट्रायल में बिना पारदर्शिता के ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी हो रहे थे और इस खबर को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इसे लेकर लंबे समय से शिकायतें भी आ रही थी, लेकिन अब फर्स्ट इंडिया की न्यूज का बहुत बड़ा असर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का काम दे रही कंपनी पर अब शिकंजा कसेगा। परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ से रिपोर्ट मांग ली है। स्मार्ट चिप कंपनी के काम के बारे में ये रिपोर्ट मांगी गई है। ज्यादातर जगहों पर दलालों से साठ गांठ कर ये कंपनी काम कर रही है और ट्रायल में बिना ट्रांसपेरेंसी के ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम से खबर मिल रही है कि 1 जून से निगम आपके द्वार अभियान का आगाज होने वाला है। विद्याधर नगर जोन से शुरू होगा अभियान का आगाज। 26 मई को साधारण सभा की बैठक में मेयर डॉक्टर सौम्या ने इसे लेकर घोषणा की थी। 1 जून को वार्ड 21 में महापौर और निगम के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 30 जून तक जोन के सभी वार्ड्स में निगम के अधिकारी और कर्मचारी वार्ड्स में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उम्मीद भी ये लोग कर रहे हैं कि उनकी सिर्फ समस्याएं जो है वो सुनी ना जाए, उसे पूरा भी किया जाए और इसे लेकर ये अभियान शुरू होने वाला है। ग्रेटर नगर निगम से 1 जून से निगम आपके द्वारा अभियान का आगाज होने वाला है और इसकी शुरुआत होगी विद्याधर नगर जोन से। वहीं 26 मई को साधारण सभा की बैठक हुई थी, मेयर डॉक्टर सौम्या ने इसे लेकर घोषणा कर दी थी। 1 जून को वार्ड 21 में महापौर और निगम के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 30 जून तक जोन के सभी वार्ड्स में जाएंगे निगम के अधिकारी और कर्मचारी, वार्ड्स में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी, यानी कि खुद जाएंगे अधिकारी और कर्मचारी और लंबे समय से लोग यही मांग कर रहे थे। हाड़ौती अंचल की बात करें तो वहां लहसुन किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना में अब सरकारी खरीद करेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है। वहीं फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इसे लेकर ऐलान किया गया। हाड़ौती अंचल में इस सीजन में लहसुन की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन औंधे मुंह दाम गिरने से किसानों में मायूसी छा गई। किसानों को 10 से 15 रुपए किलो तक में लहसुन बेचने की मजबूरी आ रही है, लेकिन अब सरकारी खरीद से 30 से 35 रुपए प्रति किलो दाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और किसानों के लिए ये वाकई में अच्छी खबर है। अब उनके चेहरे से परेशानी हटनी चाहिए क्योंकि अब खुशी का मौका है। केंद्र सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना में सरकारी खरीद करेगी, जिसे लेकर किसान मांग कर रहे थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है। दरअसल फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की कैलाश चौधरी ने, उन्होंने इस दौरान ये ऐलान किया और ये जानकारी दी कि हाड़ौती अंचल में इस सीजन में लहसुन की बंपर पैदावार हुई, लेकिन किसानों को जो वो दाम मांग रहे थे वो नहीं मिल रहे और औंधे मुंह दाम गिरने से किसानों में मायूसी छा गई, वो परेशान हो गए। किसानों को 10 से 15 रुपए किलो तक ही लहसुन बेचने की मजबूरी आ गई थी, लेकिन अब सरकारी खरीद होगी, 30 से 35 रुपए प्रति किलो दाम मिलने की अब उम्मीद जताई जा रही है। तीनों तेल कंपनियों के डिपो में डीजल की शॉर्टेज हो गई है। दरअसल डीलर का स्टॉक रजिस्टर देखकर ही सप्लाई दी जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि प्रदेश की 5000 पेट्रोल पंप संचालकों के सामने संकट आ गया है। अगले दो दिन की बात करें तो डीजल की मांग के सभी ऑर्डर जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं और मांग के अनुरूप सिर्फ 20 से 30% ही सप्लाई की जा रही है। तेल कंपनियां बढ़ते हुए घाटे का हवाला देकर मनमानी कर रही है। अगले दो दिन प्रदेश में डीजल उपभोक्ताओं के सामने ये समस्या खड़ी हो सकती है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष कार्तिकेय गौड़ का एक बयान भी आया। उनके अनुसार डीजल आपूर्ति को लेकर अगले दो दिन उपभोक्ताओं के सामने संकट रहेगा और उम्मीद करते हैं कि उसमें ये सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर 5000 पेट्रोल पंप संचालकों के सामने ये संकट है। उपभोक्ताओं को किस तरीके से वो समझाइश करेंगे उनके साथ ये देखना होगा, क्योंकि आने वाले दो दिन बेहद भारी रहेंगे। तीनों तेल कंपनियों के डिपो में डीजल की शॉर्टेज है। डीलर का स्टॉक रजिस्टर देकर ही अब सप्लाई दी जा रही है। कुल पूरे प्रदेश की बात करें तो 5000 पेट्रोल पंप है और 5000 पेट्रोल पंप संचालकों के सामने ये संकट है।
अगले दो दिन के लिए डीजल की मांग के लिए सभी ऑर्डर भी निरस्त कर दिए गए और मांग के अनुरूप महज 20-30% ही सप्लाई की जा रही है। दरअसल बढ़ते हुए घाटे का हवाला देकर तेल कंपनियां मनमानी भी कर रही है। अगले दो दिन की बात करें तो प्रदेश में डीजल उपभोक्ताओं के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें पेट्रोलियम एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष कार्तिकेय गौड़ का एक बयान आया है। डीजल आपूर्ति को लेकर अगले दो दिन उपभोक्ताओं के सामने संकट रहेगा और सहयोग की वो उम्मीद करने की बात कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां